आज दशहरा पर्व मनाया जाएगा। कोविड 19 की दस्तक के साथ इस त्योहार की परंपराओं पर पड़ना शुरू हुआ असर अब तक बरकरार है। पिछली बार कोरोना के चलते जिले में रामलीला का मंचन ही नहीं हो पाया था, इससे रावण दहन भी नहीं हुआ था। अब संक्रमण थमा हुआ है, मगर प्रशासनिक व्यवस्था की मार में इस बार भी शहर में रामलीला मैदान में रावण दहन नहीं हो पाएगा। दरअसल जिला प्रशासन ने रावण दहन की अनुमति जारी नहीं की है। हालांकि दहन के आयोजनों को लेकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दिए गए हैं, अनुमति नहीं दी मगर स्पष्ट तौर पर रोक के भी आदेश जारी नहीं हुए। इस असमंजस के चलते रामलीला कमेटियों ने इस बार रावण तैयार ही नहीं करवाए। प्रशासन ने रावण की दहन की अनुमति भी नहीं दी तो रोक भी नहीं लगाई, लेकिन हर इलाके के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट जरूर नियुक्त किए हैं। ऐसे में आम लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, इसलिए रावण के खरीदार नहीं रहे। कोई इस साल तो मतलब मंडी बहुत सस्ती है, इस साल कोई मतलब बचा नहीं है अभी तक। और इस साल का दशहरा मतलब बिट चुका है लॉकडाउन की वजह से, और आगे पता नहीं। अब तो ऐसे भगवान भरोसे बैठे हैं क्या होना है आगे। अब के जो है यहाँ रावण को दहन करने की भी परमिशन नहीं है, तो उससे भी कोई फर्क पड़ा है? बिल्कुल ना, बिल्कुल ही उससे फर्क पड़ा। कोई जगह पहले जगह जगह जब मतलब राम जी होते थे बोले जाते थे, अब कोई राम जी नहीं हो रहा है, कोई तो इसलिए नहीं ले जा रहे कोई। तो मतलब जितने कि अपने मतलब थोड़े बहुत ही बनाए जाते नहीं, चिंदी बनाए अपने माहौल देख के, अब वो भी थोड़े बहुत नहीं निकलने का। अभी अजीम का है, उसके आगे संकट पैदा हो गया कहीं ना कहीं। हाँ संकट हो गया, जैसे पंचकुला में ऐसे कोई हादसा हो गया था, जैसे इसकी वजह से लॉकडाउन नहीं खुला था, मतलब अच्छी तरह अपन लॉकडाउन नहीं खुला था, इसलिए कई जगह मतलब बैन लग गई। इसमें कितने रावण अभी आपने बनाए थे? जी मैंने बनाए थे चार, में सिर्फ एक ही बिका है। एक ही बिका है? हाँ। एक राउंड को बनाने में कितने टाइम लगता है? कितना? एक राउंड को बनाने में कम से कम 4 दिन लगते हैं। पैसा भी खर्च होता है? अब पैसा भी खर्च होता है। अब जो नहीं बिके उसका क्या होगा? अब उसका ये क्या होगा, ऊपर वाला मालिक है, क्या होगा वो, कोई शाम तक ले जाए कोई। अभी इंतजार बाकी है? अभी इंतजार है, अभी शाम तक इंतजार है 5 बजे तक का। हरियाणा में 7 बजे रावण फूंक देते हैं। इससे पहले अगर पिछले साल की बात कर ले, तो पिछली बार आप कितने रावण बेच लेते थे? लॉकडाउन से पहले रावण खूब बेचे हैं, लॉकडाउन से पहले आदमी को मुनाफा अच्छा कमाया, सही कमाया, मतलब ये कि मजदूरी अच्छी मिली उनको। इस बार कुछ नहीं है, अब इस बार कुछ नहीं है, इस बार मतलब घाटा था।